प्रो कबड्डी सीजन 9 में कुल यहाँ पे 29 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड 29 मैचेस में हमें कुछ ऐसे मैचेस देखने को मिले जो यहाँ पे डिफेंडर्स का गेम था एंड कुछ ऐसे मैचेस देखने को मिले जिनमें भर भर के जो रेडर्स थे वो यहाँ पे रेड पॉइंट्स कमा रहे थे। एंड यहाँ पे मैं आपको टॉप 10 रेडर्स के बारे में बताने वाला हूँ, आखिर 29 मैचेस कंप्लीट होने के बाद कौन से रेडर्स के पास सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स है, इस वीडियो में आपको पूरा लिस्ट डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। तो यहाँ पे नंबर 10 पे विकास कंडोला है। विकास कंडोला बेंगलुरु बुल्स के कप्तान है, 5 मैचेस खेल चुके हैं, 5 मैचेस में 42 रेड पॉइंट स्कोर किए 8 की एवरेज के साथ एंड 2 सुपर 10 विकास कंडोला ने स्कोर किया है। बात की जाए नंबर 9 की तो यहाँ पे नंबर 9 पे मनिंदर सिंह है। मनिंदर सिंह बंगाल वॉरियर्स के कप्तान है, 5 मैचेस खेल चुके हैं, इन 5 मैचेस में 43 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है 8 की एवरेज के साथ एंड 3 सुपर 10 इन्होंने स्कोर कर लिया है। बात की जाए नंबर 8 की तो यहाँ पे नंबर 8 पे भरत है जो यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं, 5 मैचेस खेल चुके हैं, इन 5 मैचेस में 45 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है 9 की एवरेज के साथ एंड 2 सुपर 10 भरत स्कोर कर चुके हैं। बात की जाए नंबर 7 की तो यहाँ पे नंबर 7 पे नरेंद्र है जो यहाँ पे तमिल तलावास की टीम की तरफ से खेल रहे हैं, पवन सरावत के एब्सेंस के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है, 5 मैचेस खेले, 5 मैचेस में नरेंद्र ने 46 रेड पॉइंट स्कोर किए 9 की एवरेज के साथ एंड 2 सुपर 10 नरेंद्र स्कोर कर चुके हैं। बात की जाए नंबर 6 की तो यहाँ पे नंबर 6 पे असलम इनामदार है जो यहाँ पे पुनड़ी पल्टन की टीम की तरफ से खेल रहे, 5 मैचेस खेल चुके, 5 मैचेस में 50 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया 10 की एवरेज के साथ एंड 2 सुपर 10 इन्होंने स्कोर पे नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर 5 पे रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल आ चुके हैं, यूपी ओदास की टीम की तरफ से खेल रहे, 5 मैचेस में 50 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है 10 की एवरेज के साथ एंड 2 सुपर 10 प्रदीप नरवाल ने स्कोर किया है। लास्ट के 2 मैचेस में जिस हिसाब का परफॉर्मेंस प्रदीप नरवाल ने दिखाया है, आने वाले हफ्तों में प्रदीप नरवाल टॉप 3 में आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए नंबर 4 की तो यहाँ पे नंबर 4 पे अर्जुन देसवाल है जो यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम की तरफ से खेल रहे, 5 मैचेस खेले, इन 5 मैचेस में 53 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है 10.5 की एवरेज के साथ एंड 3 सुपर 10 अर्जुन देसवाल ने स्कोर किया है। बात करते हैं नंबर 3 की तो यहाँ पे नंबर 3 पे राकेश है जो यहाँ पे गुजरात जायंट्स की टीम की तरफ से खेल रहे, 5 मैचेस में 60 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है 12 की एवरेज के साथ एंड 4 सुपर 10 राकेश स्कोर कर चुके हैं। बात की जाए नंबर 2 की तो यहाँ पे नंबर 2 पे सुरेंद्र गिल है जो यहाँ पे यूपी ओदास की टीम की तरफ से खेल रहे, 5 मैचेस खेले जिसमें से 61 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है 12 की एवरेज के साथ एंड 3 सुपर 10 सुरेंद्र गिल ने स्कोर कर लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 1 की तो यहाँ पे नंबर 1 पे नवीन कुमार है जो यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम की तरफ से खेल रहे, कप्तान भी है, 5 मैचेस में 68 रेड पॉइंट्स इन्होंने 13.5 की एवरेज के साथ एंड 5 सुपर 10 स्कोर कर लिया, यानी कि जितने भी मैचेस खेले हर मैच में नवीन कुमार ने इजिली सुपर 10 स्कोर किया है। तो 29 मैचेस कंप्लीट होने के बाद सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स नवीन कुमार के पास एज एक्सपेक्टेड एंड प्रदीप नरवाल भी लिस्ट में आ चुके जो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं कल के ट्रिपल पंगा के बारे में, मैच नंबर 30 यू मुंबई वर्सेस हरियाणा स्लियर्स के बीच में खेला जाएगा, मैच नंबर 31 पुनड़ी पल्टन वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा एंड वहीं पे मैच नंबर 32 पटना पायरेट्स वर्सेस दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा। जो पहला मैच होने वाला है उसमें हमें मंजीत एक्शन में देखने को मिल जाएंगे, रैंक नंबर 12 पे है एंड वहीं पे गुमान सिंह एक्शन में देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे 19th रैंक पे है। सेकंड मैच में हमें असलम इनामदार एक्शन में देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे 6वें रैंक पे है एंड वहीं पे मनिंदर सिंह देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे 9th रैंक पे एंड तीसरे मुकाबले में सचिन तंवर देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे रैंक 11 में एंड नवीन कुमार देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे रैंक नंबर 1 पे है। तो हमें 6 ऐसे रेडर्स देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे टॉप 10 रेडर्स के जो रेस है उसमें मतलब कि बहुत ही योगदान देने वाले एंड लिस्ट बहुत ही चेंज होने वाला है।
एंड ये तो आपको वीकली वीडियो देखने को मिलेगा, कि आपको इस पे डेली वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपके यस आते तो हमारे सेकंड कबड्डी चैनल पे मैं डेली टॉप 10 रीडर्स पे वीडियोस बनाऊंगा, तो जो सेकंड कबड्डी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएगी अगले हफ्ते में जो टॉप 10 रीडर्स का लिस्ट में उसमें टॉप 3 के चेंज हो सकता है कि नहीं, या फिर यही बरकरार रहेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड इसी के साथ वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगेगी कि वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैक्सवेल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट, ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।